अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रास्ट मैन डिज़ाइन। होप यू ऑल डूइंग वेल। और आज हमारा क्लास 4, ठीक है। आज के टेक्निक्स हम जो सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन इससे पहले अगर आपने वॉच नहीं किया क्लास 1, 2, 3 क्लासेस तो जल्दी से जाके वॉच कर लें, ताकि ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुश्किल अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे गल्फ टेक्निक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गल्फ टेक्निक होता क्या है। बेसिकली गाइस, गल्फ टेक्निक वो होता है जो आप प्रेशर कंट्रोल से अपनी डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप एक कोई कोन ले लें जिसकी यानी कि नेप बहुत ज़्यादा फाइन होनी चाहिए, लाइक दिस, ठीक है, कितनी फाइन है। और एक आप टिश्यू ले लें जो आप वेस्ट करेंगे, जो वेस्ट पार्ट होगा आप इस मेहंदी पे, इस टिश्यू पे मेहंदी पे वेस्ट कर लेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे शेयर किया था कि डॉट किस तरह हमें क्रिएट करना है, किस तरह बनाना है। डॉट आप पहले एक अपनी मेहंदी कोन को सरफेस एरिया पे टच ना करें और थोड़े से ऊपर रखें आप, और इसे प्रेस करें, ये ऑटोमेटिक आपका डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे गल्फ मेथड होता है, लेकिन ये सिंपल डॉट नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे मेहंदी में यूज़ होते हैं, तो वो हम आज सीखेंगे। एक आपने देखा है कि सबसे पहले मैं ये प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता लोअर साइड पे जाके प्रेशर कम कर दूँगी, क्लियर। और ये डायरेक्शन हमारी इस साइड पर थोड़ी सी कर्व है, स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं स्ट्रेट करना चाहूँ लाइक दिस, तो आप इस तरह करें, अपनी प्रेशर अप हाई रखें, देन स्लो स्लो लाइट कर दें। एक और मेथड है कि आप अपनी प्रेशर को हाई रखने के बाद प्रेशर को बिल्कुल फिनिश कर दें। मैं यहाँ पे ज़ूम कर लेती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और ये प्रेशर अप्लाई मैंने किया, इसके बाद मैंने इसे प्रेशर को ख़त्म कर दिया उसी कौन से, मतलब उसी मेहंदी से इसे लेके नीचे साइड पे आऊँगी, क्लियर। ये सेकंड मेथड है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि ये गल्फ मेथड, अच्छा एक और क्लियर कर दूँ कि गल्फ मेथड और सिंपल मेथड में क्या डिफरेंशिएट है। गल्फ मेथड आपने देख लिया यहाँ पे क्या है, सिंपल मेथड में ये कि यही आप टेयर बना रहे हैं तो ये इस तरह बनाएंगे आप, देन इसे फिलअप करेंगे, क्लियर। इसी तरह अगर मैं लीफ बना रही हूँ ये गल्फ मेथड से, तो पहले लाइट प्रेशर, देन प्रेशर हाई, देन लाइट। और ये हमारा सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड को आप ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं। इसके बाद आप इनसाइड पे फिलिंग कर लें, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड और सिंपल मेथड भी कह सकते हैं, और ये आपका गल्फ मेथड है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ देखने में बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन ये हमें चैलेंजेस कर जाते हैं, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, किस तरह करनी है वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ, ओके। सबसे पहले आप डिफरेंट डायरेक्शन में एक बेस बना लें, क्लियर, स्ट्रेट लाइन, कर्व, अपोजिट कर्व, और इसके बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। और जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, लोअर साइड पे स्टार्ट करूँगी, लोअर साइड से मैं एक समझे कि गाइडलाइन के तौर पे एक गाइड लाइन ड्रॉ कर लूँगी, या अब इसे कह सकते हैं कि बेस बना लूँगी, कि इसी लाइनिंग पे मैं पूरा एक वाइन शेप में पेटल्स बना लूँगी। जो बिगनर्स हैं वो ये काम ज़रूर करें कि आप एक बेस लाइन बना लें, बेस लाइन के बाद ये वाले लोअर साइड पे सेकेंडरी बेस बना लें, जो इसी के अकॉर्डिंग्स आप ये शेप देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें, मतलब डायरेक्ट ये टेयर ड्रॉप नहीं बनाएं इस तरह, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मैं कर लूँगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप किस तरह करें, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह करके, इसके बाद आप मेहंदी से इसे ड्रॉ कर लें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी डिस्टेंस भी नॉर्मल रहेगी, आगे पीछे ज़्यादा नहीं होगी और बहुत अच्छे फिनिशिंग से बनेगी, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये ट्रेयर ड्रॉप का और गल्फ मेथड। तो ये प्रैक्टिस आप करें इस डायरेक्शन में, देन स्ट्रेट डायरेक्शन में, देन इस, और इसके अलावा फिर आप यू शेप डायरेक्शन में भी प्रैक्टिस करें, ठीक है।
अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये भी प्रैक्टिस आपकी बहुत इजीली हो जाएगी। आई होप ये भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। लेकिन यू शेप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, देखने में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो यू शेप में किस तरह करना है मैं आपको ये शेयर करती हूँ। फर्स्ट है, आप एक काम करें कि आपके लिए बहुत इजी मेथड है कि पहले आप ऊपर लाइन को कवर अप कर लें, ऊपर लाइन को आप ड्रॉ कर लें, देन आप लोअर साइड पे इसे पेटल्स बनाएं, ठीक है? साथ साथ नहीं बनाएं, सॉरी गाइस, मैं लीफ बना रही हूँ मैं, ठीक है? क्लियर? ये देखें, ठीक है। असल में फ्रेंड मेरी प्रैक्टिस है, मैं इस वजह से फास्ट लेके जा रही हूँ। मैं स्लो बनाती हूँ तो मेरी कोऑर्डिनेशन टूट जाती है, क्योंकि आपसे बातें करते करते मैं ये बना रही होती हूँ और फिर वो मज़ा नहीं आते मेहंदी में। तो आप भी बस, आपको प्रैक्टिस जो करनी है जिस मेथड से मैं बता रही हूँ, देन मैं लोअर साइड के पेटल्स को ड्रॉ करूँगी। और ये पेटल्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ तक बिल्कुल सिंपल मेथड है, लेकिन जहाँ पे कर्व आते हैं वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो पेटल्स हैं आप इस साइड पे नहीं बनाएं, थोड़ा सा यानी कि डिस्टेंस पे बनाएं, मतलब थोड़ा सा जगह को छोड़ के इससे बनाएं, ताकि ये देखें क्लियर, ये थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा। देन ओके, ये अपनी प्रैक्टिस मुझे शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। क्लियर? आई होप आप ये भी कर लेंगे। और इसी तरह आप एक स्मॉल भी बना सकते हैं, मतलब बहुत थिन भी बना सकते हैं, लाइक दिस। मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। और आप डिफरेंट शेप में बनाए, डबल लेयर में भी कर लें। और मेहंदी के डिज़ाइंस में आपने तकरीबन देखा ही होगा कि मेरे जो डिज़ाइंस, मैं जो अपने डिज़ाइंस क्रिएट करती हूँ, तो सम टाइम ये भी मैं ये एलिमेंट भी यूज़ करती हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आई होप आपको ये कहीं ना कहीं नज़र आया होगा। ठीक है गाइस, ये मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आप अपनी इस तरह प्रैक्टिस करें। और मेरी वॉइस आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, आई डोंट नो, क्लियर? और आपको मालूम है कि गाइस हमारे घर जो है सर्विस रोड पे, और मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मुझे फ़ैन ऑफ़ करके वीडियो बनानी होती है, और जब स्प्लिट भी ऑन करती हूँ तो उसमें से भी आवाज़ आ रही होती है, तो मुझे एसी भी ऑफ़ करके वर्क करना होता है ताकि आपको मेरी वॉइस क्लियर आए। क्योंकि बहुत से गर्ल्स मुझसे प्रीवियस बहुत सारे पहली वीडियो में, जो 1 ईयर पहले मैंने अपलोड की थी क्लासेस में, तो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आप ही। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या है, थोड़ा सा ये चेंज है, मतलब बेस चेंज है, मेथड वही है आपको, ठीक। ये आपका ज़िगज़ैग है, ज़िगज़ैग पैटर्न पे है। आप पहले इस बेस को ज़िगज़ैग पे बना लें और इस स्पेस पे लाइक दिस वन, दिस वन, यहाँ पे आप लीफ बनाएंगे, क्लियर? डायरेक्शन आपको ख्याल रखना है कि डायरेक्शन आपको किस साइड पे लेके जाना है। ये आप अपनी प्रैक्टिस करें, ये सब चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करें। अब हम आते हैं लीफ पे, जो कि बहुत ज़्यादा लड़के परेशान हो रहे थे कि ये लीफ आप ही अब कैसे बनाती हैं, काइंडली इसकी वीडियो हमसे शेयर करें। तो प्रीवियस क्लासेस में भी अपने वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है, तो लेकिन आज मैं क्लासेस में भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले देखें गाइस, अगर आप यहाँ पे गल्फ मेथड नहीं बना सक रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल मेथड से बना लें। ये आपका गल्फ मेथड है, क्लियर? और ये गल्फ मेथड देखने में तो इजी लगता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है। आप ये नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, सेकंड टेक्निक, आप इस तरह प्रैक्टिस करें गल्फ मेथड की। जो जो मैं प्रैक्टिस आपके बता रही हूँ, ये सारे गल्फ मेथड की प्रैक्टिस हैं,
क्लियर। ये सारी प्रैक्टिस आप मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। देखिए दिस वन कितना खूबसूरत है ये यकीन करें ये एलिमेंट्स मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत ही मुझे ज़्यादा पसंद है। अब हम आते हैं रोज़ेस पे कि रोज़ेस किस तरह बनाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने ये सर्कल लाइन ड्रॉ करनी है, ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे शेयर कर लिया था। जहाँ पे आपकी लाइन ब्रेक हो रही है लाइक दिस तो उसे छोड़ दें, वो एंड में आप कवर करें, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना होगा, यहाँ मैं पेटल्स जो बना रही हूँ गौर से देखें ये किस तरह बना रही है। ये आपका शेप बेसिकली इस तरह की शेप है, क्लियर। और लोअर साइड पे आपके प्रेशर कम है और मिडल साइड पे ज़्यादा है, देन लोअर साइड पे कम है। मतलब इन दोनों लोअर साइड पे आपकी प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगी और मिडल साइड पे जो प्रेशर है वो आपके ज़्यादा होगी, तो ये आपका शेप इस तरह का आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह नहीं करना है। मैं लाइक मैं आपको यहाँ मिस्टेक बता देती हूँ जो बिगनर्स मिस्टेक करते हैं हमेशा, वो ये करते हैं कि वो बनाने के चक्कर में ये प्रेशर को भूल जाते हैं। एक तो यहाँ गाड़ियों कितनी आवाज़ें हैं, ये देखें आप प्रेशर जो है ना, प्रेशर कंट्रोल भूल जाते हैं, जिस वजह से ये इतना खूबसूरत लीफ नहीं बन पाता। तो आपने क्या करना है, आपको ख्याल रखना है, अपने माइंड में एक कोऑर्डिनेट बना लें कि मुझे किस तरह यानी कि क्रिएट करना है। अगर आपको यानी गल्फ़ मेथड बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप ट्रेडिशनल मेथड मतलब सिंपल मेथड से भी ये ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि मैं पेटल्स 4 नहीं बनाऊँगी, 5 बनाऊँगी। और ये प्रेशर मैं पहले कम अप्लाई कर रही हूँ, देन हाई देन कम। क्लियर हो रहा है आपको? ओके देन दिस वन, देख कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही है गल्फ मेथड तो आप सिंपल मेथड पे भी वर्क कर सकते हैं, लाइक दिस इस तरह ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद कंप्लीट फिलअप कर दें, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है ये आगे बताने की, फिलअप करने की, आगे मैं ड्रॉ बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक अगेन राउंड बेस बना लेती हूँ। आप ये मेरी मेहंदी यहाँ डिस्टर्ब कर गई, और देन 5 पेटल्स रोज़ेस की, ठीक है। रोज़ेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो अभी मैं आपसे ये शेयर करती हूँ, आगे जाके और भी शेयर कर लूँगी। देन आप एक और लाइन इसके लेआउट बनाएं, पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करें इसी के शेप पे, देन अगेन प्रेशर यहाँ से आप करें हाई देन लो, देन प्रेशर अप्लाई करें हाई देन लो, हाई टू लो, हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप सेंटर से स्टार्ट करें, ये आपके लिए इजी हो जाएगा, क्लियर। ये आपका सेकंड रोज़ेस है। अब मैं थर्ड बता देती हूँ। अगर आपको एक और लेयर बना लो ना यहाँ पे, तो आप ये भी कर सकते हैं, अपने रोज़ेस को बिग कर सकते हैं। अभी ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है मैं बताती हूँ, फिर एक क्लस्टर फॉर्म में आपको वो भी डिफाइन कर दूँगी कि किस तरह हम डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। देन ये प्रैक्टिस घर पे आप करें, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपकी मेहंदी कोन बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए मेहंदी की, ताकि आपकी मेहंदी बहुत अच्छे से निकले और बहुत अच्छे से ड्रॉ। फिर अब ये थोड़ा सा चेंज है, ये पहले मैं इस तरह ड्रॉ कर लेती हूँ, देन ये देखें इस वन इस तरह करना है हमें। अच्छा ये याद रखें कि दोनों कॉर्नर साइड की जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा थिन होनी चाहिए, लाइक दिस, क्लियर। ये दोनों साइड में ना आपकी थिन होनी चाहिए, ये दिस वन एंड दिस वन थिन होनी चाहिए। जबकि जो बिगनर्स होते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो इस तरह कर देते हैं या चौड़ी कर देते हैं, तो इसमें खूबसूरती नहीं आती है। मेहंदी लग तो जाती है लेकिन मेहंदी में खूबसूरती नहीं आती है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप इसे
अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मेहंदी को खूबसूरत बना सकते हैं। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप पहले ड्रॉ कर लें, इसके बाद आप फिलअप कर लें। अगेन मैं यही लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैं इसे थोड़े से बिग है तो मैं इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकती हूँ और गल्फ मेथड से भी कर सकती हूँ, लेकिन जो जितनी बिग स्मॉल से ज़्यादा यानी कि इस लाइक दिस स्टेप की होती है तो मैं तकरीबन ये करती हूँ कि सिंपल मेथड अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। और आपको मालूम है कि क्लाइंट पे जब हम लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि टाइम थोड़ा सा हमारा बच जाए और मिस्टेक भी नहीं हो, तो ये वर्क हम कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये भी रोज़ेस हमारे बन गई है। अब दूसरे में बनाती हूँ, वो भी आप देखिएगा। ओके, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ कि यहाँ पे मिस्टेक, अभी मुझे याद आया कि स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं लाइक दिस। अगर ये पेटल्स बना रहे हैं तो ये पेटल्स के डिस्टेंस को ना यहाँ बारीक नहीं रखते, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें इस तरह, तो ये जो मिडल साइड की जो होती है ये आपके काफ़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिस वजह से आपके फ्लावर्स में खूबसूरती नहीं आती। आप यहाँ पे देखें वी शेप आ रही है, लेकिन यहाँ पे वी शेप नहीं आ रही है, तो इस तरह नहीं करना है आपको। क्लियर? अगेन आप ड्रॉ कर लें, इसके बाद आप फिलअप करना चाहते फिलअप कर लें, या आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, गल्फ मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? दोनों मेथड से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो आपको इजी लगे आप वो करें। इसके बाद हम आते हैं दूसरे रोजेस पे। दिस वन आप इस तरह के पेटल्स भी बना सकते हैं, देन दिस वन। क्लियर? वही मेथड है, ये देखें और कितना खूबसूरत ये रोज़ेस बन जाएगा। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्लस्टर फॉर्म में आपको डिज़ाइंस हम क्रिएट करके दिखाते हैं कि किस तरह आप अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने हाथ में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने क्लाइंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्लस्टर फॉर्म में मैं अगेन यही वाले रोज़ेस अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ स्पीड कर देती हूँ मैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें सेकंड एलिमेंट हम बनाते हैं जो हमने अभी प्रैक्टिस की है अपनी। इस तरह अपनी प्रैक्टिस अपनी मर्जी से करें, जहाँ पे आपको जो दिल कर रहा है वो एलिमेंट यूज़ कर लें, वो लीफ यूज़ कर लें, वो पेटल्स यूज़ कर लें, जो आपके माइंड में है आप वो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अपनी मेहंदी टिप को थोड़ा सा क्लीन करते रहा करें। और यहाँ पे एक और दूसरा एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं जो कि क्लस्टर फॉर्म में आपके बहुत खूबसूरत लगेगा। ये फ्री लाइक मैंने आपसे शेयर कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में, और ये वही मेथड है, गल्फ मेथड। जो रोज़ेस हमने यहाँ बनाई थी बिल्कुल वही मेथड है, ये जो रोज़ेस ये वाली बनाई है बिल्कुल वही है, लेकिन फ्रिल के ऊपर ये
पेटल्स बनी हुई है। देखिए गाइस, पहली बात है कि आप थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन करके अपने डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बना लेती हूँ, इसके बाद सेकंड एलिमेंट मैं आपसे शेयर करूँगी, दिस वन। और अगेन इसे पहले लेआउट बना लेती हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ बाइक की आवाज़, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बाइक गाड़ियों की आवाज़। गल्फ मेथड से यही प्रैक्टिस करनी है आपने। ये देखें, अब यहाँ पे देखिए मुझे ये जगह ज़्यादा नहीं मिल रही है, स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसे छोड़ दूँगी, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, ये नहीं है कि बस जो बनाना है, जो बनी हुई है उसी को लेके करें और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाए। ओके, एक और ड्रॉ कर लेती हूँ, देन एक और, यहाँ पे इस टाइप वाला कर लेती हूँ, टीयर ड्रॉप लाइक, और थोड़ा सा बारीक करते रहूँगी। दिस वन, देन अगेन ये, दिस वन। बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स, लेकिन ये क्या है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको शौक़ है तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो होती है शौक़ के ऊपर होती हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये एक राउंड शेप में लेकर आ जाती हूँ, यहाँ पे डॉट डाल देती हूँ, वही एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं प्रेशर हाई लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, इस तरह करके आप वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पे लीफ बना लिया, ये सिंपल मेथड से बता रही हूँ मैं। और अगेन इस तरह करके आप ये कर लें, गल्फ मेथड से। देन आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लें, ये आपके एक क्लस्टर फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइंस ये क्रिएट हो गए। सबसे पहले आपने देखा है कि क्लासेस में हमने क्या क्या चीज़ें शेयर की है, वो क्लासेस से अब ये बंचेस में हम आ गए, दिस वन। ठीक है गाइस, आज की क्लास हम यहीं तक कर रखते हैं। नेक्स्ट में मैं आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए जिस तरह आप लोग मुझे याद करते हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक्स, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी थैंक्स, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के इनकरेज की वजह से, आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ तक आप पहुँची हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मुझे आगे भी इंटरेस्ट होता है कि मैं आपसे चीज़ें और ज़्यादा शेयर करूँ, दिल खोल के शेयर करूँ। तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज़।